फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन किचन क्रेविंग्स। आज हम बनाने वाले हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी, और वो भी लेफ्ट ओवर चाशनी से। त्योहारों का सीजन है, बहुत सारी मिठाइयाँ मार्केट से आ रही हैं, घर में भी बन रही हैं। तो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी की चाशनी जो घर में बनाई है, उसी से आज हम बनाने वाले हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो चलिए बना लेते हैं झटपट से इमली की चटनी लेफ्ट ओवर चाशनी से। इमली की चटनी बनाने के लिए आज हमने यहाँ पर लिया है आधा कप टैमरिंड पल्प। ये रेडीमेड जो मार्केट में अवेलेबल रहता है वो मैंने लिया है। आप चाहें तो घर में भी सूखी हुई इमली को भिगाकर अच्छे से पल्प निकाल सकते हैं। लगभग 2 से 3 टेबलस्पून आपको लग जाएगा। और इसके अलावा हमने लिया है लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, पिंच ऑफ हींग 1/4 चम्मच, काली मिर्ची का पाउडर 1/2 चम्मच, हमने लिया है सौंठ पाउडर, नमक स्वादानुसार, नमक हम काला नमक सफेद नमक दोनों ही लेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, यहाँ पे 10 से 12 हमने किशमिश लिया है, और 2 खजूर को हमने बारीकी से काटा हुआ है। चाशनी को मैंने गैस में गर्म होने रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा बची हुई चाशनी से इमली की चटनी। अब इसमें मिलाएंगे 1/3 कप हम पानी, पिंच ऑफ हींग मिला रहे हैं इसमें, हमारे किशमिश और डेट्स, अगर आपके पास छुआरे हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं, जीरा पाउडर भुना हुआ, काला नमक, सफेद नमक, सौंठ पाउडर, रेड चिली पाउडर और इमली का पेस्ट। अब हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेते हैं और इसे बॉईल होने देते हैं। इस तरह से बॉईल हो रही है हमारी चाशनी, काफी अच्छा कलर आ चुका है। किशमिश भी देखिए कुक होने लग रहे हैं, थोड़ी देर हम इसे और कुक करेंगे। अगर आप इसे ज्यादा गाढ़ी करना चाहते हैं इसमें 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च मिला सकते हैं, पर मैं इसमें कॉर्नस्टार्च नहीं मिलाऊंगी। अब हमारी चाशनी एकदम तैयार हो चुकी है, मुझे 10 मिनट इसे कुक करते हुए हो गए हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ, ठंडी होने पर और भी हमारी चाशनी गाढ़ी होगी। तो फ्रेंड्स, रेडी हो गई है हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी, और वो भी लेफ्ट ओवर चाशनी के साथ। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। और ये रेसिपी आप किसी भी स्नैक, समोसा, कचौरी, पकौड़े या और भी किसी यमी क्रिस्पी स्नैक के साथ सर्व कर सकते हैं, और इसे स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कुक विद द बेस्ट।